आज कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस करवाने वाला हूँ 13 चैप्टर की। ओके वैसे चैप्टर 13 में अपनी जो टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शंस दी है वो तो हमें लर्न करनी ही है, लेकिन और इसमें एडिशनल भी कुछ रिएक्शंस है, तो चलो वो देख लो। कुछ रिएक्शन में एक और रिएक्शन है जस्ट अभी, फर्स्ट है RCH2COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसकी रिएक्शन हमने HNO3 के साथ की, HN3 के साथ की, इसमें ये जो N3 वन माइनस है ना, इसका नाम है एजाइड आयन। तो यहां पे होगा क्या, RCH2 के जगह पे RCH2CW, मतलब ये जो COOH है ना, इसके जगह पे हमें मिल जाएगा NH2 डायरेक्टली। ओके इसका नाम है स्मिथ रिएक्शन। ओके तो ये हमें याद रखना है, COOH की जगह पे NH2। इसका मैकेनिज्म हमें लर्न नहीं करना है, तो चलो उतना तो अच्छा है। और एक ध्यान से चीज, चलो ये प्राइमरी अमाइन है, चलो ये तो आपको पता ही है। ओके अगर हमने कोई भी प्राइमरी अमाइन लिया, सपोज CH3 CH2 NH2, और अगर इसकी हमने रिएक्शन की CHCl3 एंड KOH, और वो भी कैसा, अल्कोहलिक इथेनॉल बेस पे, और मिक्सचर को हीट किया, तो टेस्ट का नाम किसी को पता है, इस टेस्ट का नाम क्या है? Yes, anyone? What is the name of this reaction? So remember, this one is carbyl amine test. Can say carbyl amine test. तो ये जो carbyl amine test है, उसमें ये NH2 के जगह पे क्या आएगा पता है? NC, that is isocyanate product. ओके दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। चलो अब आपको ये पता है कि अगर मैंने साइनाइड का रिडक्शन किया, मतलब RCl है, और अगर इसका हमने रिडक्शन किया आइदर इन प्रेजेंस ऑफ H2Ni और C2H5OH NH3, तो Cl की जगह पे आएगा CH2NH2, और अगर हमने आइसोसाइनाइड का रिडक्शन किया सेम वे H2Ni, तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, 3H यहाँ पे और 1H यहाँ पे, सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर सेकेंडरी अमाइन। इसका नाम था इथेनेमाइन। ओके तो साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अमाइन मिलेगा, और आइसोसाइनाइड का अगर हमने रिडक्शन किया तो हमें सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। नेक्स्ट अब हमारे सिलेबस में सेकेंडरी अमाइन तो है ही, प्राइमरी अमाइन के कुछ रिएक्शन नहीं, चलो सेकेंडरी अमाइन की कुछ रिएक्शन देखते हैं। सपोज यू आर गिवन RCH2 NHCH3, which is obtained by the reduction of RCH2NC, which is obtained by carbyl amine test. Of RCH2NH2. So, अब इसकी कुछ reactions हम देखते हैं. First is when this compound is reacted with HNO2, nitrous acid, तो अगर primary amine हम लेते हैं, अगर वो aliphatic है तो फिर आपको OH मिल जाएगा, और अगर aromatic amine है तो आपको diazonium salt मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमने secondary amine लिया, at that time we are getting here
आर सी एच टू एन, उसके बाद एक सी एच थ्री तो था ही, और यहां पे आपको जो एच है ना उसके जगह पे आपको मिल जाएगा एनओ, नाइट्रोसो। ओके, इसका नाम है नाइट्रोसो अमाइन कंपाउंड। कैसा अमाइन? एनओ है सर, मतलब नाइट्रोसो अमाइन। आर है ना हमने दिया नहीं है, अदरवाइज वी हैव टू टेल इथाइल अमाइन, मींस नाइट्रोसो इथाइल अमाइन। नेक्स्ट, और एक रिएक्शन देख लो इसकी। अगर हमने इसकी रिएक्शन HgCl2 के साथ की इन प्रेजेंस ऑफ CS2 सॉल्वेंट, CS2 इज यूज जनरली सॉल्वेंट, तो याद रखना है कि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देगा, सेकेंडरी अमाइन डजंट गिव दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, CF3 CO3H, इसका नाम है परकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइफ्लोरो पर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे आपको आर सी एच टू इतना तो था ही। ओके, फिर एन था, फिर एक सी एच थ्री भी था ही, तो जो एच है उसकी जगह पे क्या आएगा? एन एन ओ टू आएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर इसकी रिएक्शन हमने के एमिनो फोर के साथ की तो आपको मिलेगा आर सी एच टू एन सी एच थ्री, और यहां पे दूसरा एन सी एच टू आर और सी एच थ्री, मतलब यहां पे कपलिंग रिएक्शन होगी, डबल हो जाएगा, देख लो। ओके, एंड लास्ट वन, और इसका नाम किसी को पता है? C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, इट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट? कौन सा रिएजेंट? हिंसबॉग रिएजेंट, याद रखो। तो यहां पे आपको प्रोडक्ट मिलेगी C6H5SO2 सल्फोनेमाइड, इसका नाम है प्रोडक्ट का नाम, SO2N ऊपर CH2R और नीचे आएगा CH3, मतलब ये टर्शरी सल्फोनेमाइड आपको मिलेगा। तो बस इतनी एक्स्ट्रा रिएक्शंस आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट, चलो अब कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। सपोज आपको एक रिएक्शन दी है, आर बी आर, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एन ए बी आर एंड देन आफ्टर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल आई एल एच फोर, तो आपको क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ पे एन ए सी एन हम लेंगे, नॉट एन ए बी आर, और अगर इसके रिएक्शन की तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर सी एन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, बी आर की जगह पे सी एन, सी एन की जगह पे बी आर, और फिर फाइनली सी एन का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा आर सी एच टू एन एच टू। बस तो इसमें ऐसे दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, बाकी तो इस चैप्टर में टिपिकल कुछ भी नहीं है, मेन एक्स्ट्रा रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। और एक देख लो, चलो इसमें बेसिसिटी के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, चलो एक ऐसा क्वेश्चन हम देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शंस नहीं लिखूंगा मैं, ऑफ द बेसिस ऑफ पीकेबी वैल्यूज, तो चलो वन टू देन थ्री एंड देन फोर। फर्स्ट इज बेंजीन के ऊपर सी एच टू एन एच टू, सेकेंड इज बेंजीन के ऊपर सी एच टू सॉरी एन एच टू, थर्ड इज एन एच, ओके, एंड फोर्थ वन इज
चलो पीकेबी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा वो भी लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है, चलो ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पीकेबी, व्हाट इज मीन्ड बाय पीकेबी, इट रिप्रेजेंट्स द माइनस लॉग ऑफ केबी। ओके, मतलब जिसकी केबी वैल्यू हाई उसकी पीकेबी द लोएस्ट, केबी वैल्यू हाई दैट मींस पीकेबी लोएस्ट, और इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछा है दैट मींस फर्स्ट विल बी द लीस्ट पीकेबी वैल्यू दैट मींस मैक्सिमम केबी वैल्यू। अब केबी वैल्यू किसकी ज्यादा होगी कि जिसके लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी लोन पर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी दैट मींस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी केबी वैल्यू हाई होगी दैट मींस पीकेबी लो होगी। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है दैट मींस फर्स्ट वैल्यू विल बी द लोएस्ट पीकेबी वैल्यू, तो पीकेबी वैल्यू पहले की लोएस्ट, केबी वैल्यू हाईएस्ट, तो सेकेंडरी अमाइन, दिस वन इज सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हाईएस्ट होती है, सो फर्स्ट इज 3, देन आफ्टर प्राइमरी अमाइन, सो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक, इट इज एन एलोफेटिक। एलोफेटिक का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली अगर बेंजीन के साथ अटैच है ना लाइक दिस, देन इट इज एन एरोमेटिक, तो ये एलोफेटिक है। तो एरोमेटिक की तो कमी होती है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इन दोनों की द लोएस्ट होगी केबी वैल्यू। ओके, केबी वैल्यू लोएस्ट होगी दैट मींस पीकेबी द हाईएस्ट होगी, तो ये दोनों तो लास्ट में ही आएंगे क्योंकि हमें पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो फर्स्ट विल बी द लोएस्ट पीकेबी क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पीकेबी लोएस्ट दैट मींस केबी हाईएस्ट, तो हाईएस्ट बेसिक कौन सा है 3 नंबर, दैट वन नंबर। अब इन दोनों में ये NH2 है और यहां पे NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप इज मेटाडायरेक्टिव, मेटाडायरेक्टिव मेन, इसके अलावा और बोलूं तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों में बेसिसिटी किसकी कम है, इसकी कम, बेसिसिटी कम मतलब केबी वैल्यू कम, केबी वैल्यू कम मतलब पीकेबी वैल्यू ज्यादा, तो 4 नंबर लास्ट में ही आएगा और 2 नंबर बीच में आएगा, सो आवर आंसर इज 3124, तो ये आपको याद रखना। ओके, सिमिलरली दूसरा एक थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आसानी से, चलो अब वो देखते हैं। सो अवर आंसर क्वेश्चन इज विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट एसिड, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, चलो अब ये देखते हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज साइक्लोहेक्सेन, उसके सॉरी हाँ गलती हो गई, NH3+, सेकेंड इज CH3 ट्वाइस, NH2+, थर्ड इज बेंजीन के ऊपर NH3+, एंड लास्ट इज बेंजीन के ऊपर CH2NH3+। चलो पहले तो कॉन्जुगेट एसिड का फंडामेंटल हम सीखते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्जुगेट एसिड, तो सिंपल एनी लुईस बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद H+ तो आपको मिलेगा ये BH बॉन्ड, तो ये है अपना पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, ये है अपना कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो पहले तो ये सब, अब कॉन्जुगेट एसिड ये स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब रिवर्स रिएक्शन विल बी मोर पावरफुल,
रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगी। रिवर्स रिएक्शन कब ज्यादा होगी, मतलब बेस डोनेट नहीं कर पाएगा तब, दैट मीन्स बेस वुड बी वीक। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलते हैं कि जो डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा रहती है, दैट मीन्स रिवर्स नहीं होती उसकी। ओके, तो अब आपको याद रखना है क्या कि अगर वीक बेस हुआ ना तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। ओके, तो अब आपको कॉन्जुगेट एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है, दैट मीन्स द बेस इज द वीकेस्ट। अब वीकेस्ट बेस कौन सा है, चलो ये किसमें से बना होगा, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन। हाँ, और पता है एरोमेटिक एमाइन इज द वीकेस्ट बेस, और कोई एरोमेटिक है ही नहीं। देख लो, ये होगा साइक्लोहेक्सेन, वन एमिनो साइक्ल, NH2, यहाँ पे क्या होगा CH3 twice NH, यहाँ पे क्या होगा बेंजीन के ऊपर CH NH2। तो अब चारों में हम देखते हैं तो वीकेस्ट बेस कौन सा है, ये वाला, दैट मींस इसका कॉन्जुगेट एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और अगर मैं अब ऐसे बोलूं द वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड तो कौन सा होगा, बोलो, क्वेश्चन है वीकेस्ट कॉन्जुगेट एसिड, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्ट्रेंथ किसकी होगी, सेकेंडरी एमाइन, एंड दैट इज CH3 twice NH2। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो चलो वो पीरियोडिकली हम फिर हम देखेंगे। और चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो एक साइक्लिक अमाइन का एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यू आर गिवन दिस वन, ओके, एंड इट इज रिएक्टेड विथ, थोड़ा ठीक तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट मिनट। मैं ही करवा देता हूं डायरेक्टली। अगर ये कंपाउंड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, चलो आपको जो कंपाउंड दिया है वो मिथाइल साइक्लिक एमाइन दिया है, सेकेंडरी एमाइन आपको दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, नाइट्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन, और ऐसे दिया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मतलब यहां पे सी एच थ्री HCl excess, जिससे आपको क्या होगा मिलेगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको मिलेगा NH और इसके साथ और एक H, इसके साथ CH, यहां पे होगा CH3 और यहां पे CH Cl, यहां पे H और यहां पे Cl, इन शॉर्ट यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया और यहाँ पे Cl अटैच हो गया। ओके, और अगेन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद HCl, तो इससे क्या होगा, आपको सॉल्ट मिलेगा। कैसा सॉल्ट मिलेगा, याद करो इसके पास लोन पेयर, तो ये H+ अब अटैच हो जाएगा इसके साथ,
जिससे आपको यहाँ पे मिलेगा N, पहला एच, दूसरा एच और तीसरा कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड वाला एच, एन प्लस एंड देन सी एल माइनस, और इसके साथ सी एच एंड देन सी एच थ्री और ये सी एल। चलो इसको ठीक तरह से लिखते हैं फिर से। जस्ट अ मिनट, थोड़ा आई थिंक मैंने गलती की है, थोड़ा जल्दी में क्या गलती की है मैं आपको बता दूं। मैं सोचा आंसर क्यों चार ऑप्शंस में दिया नहीं है। ऐसा करो मैं पूरा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। और जिस तरीके से लिखा है ना उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलो मैं देख रहा था ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े टिपिकल दिए हैं, ओके इसलिए मैं उस हिसाब से ट्राई कर रहा था। चलो जो लिखा है ना ऊपर सी एच थ्री, देन यहाँ पे सी एच, यहाँ पे सी एच टू, और दोनों अटैच के सिंगल नाइट्रोजन के साथ साइक्लिक कंपाउंड। ओके फर्स्ट टाइम अगर हमने एच सी एल यूज किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये वाला ब्रेक नहीं होगा सी एच टू, और यहाँ पे आएगा एच प्लस और यहाँ पे आएगा सी एल माइनस। तो चलो जो लिखा है उसी हिसाब से हम जाते हैं, सी एच थ्री देन एन एच और एच और यहाँ पे आएगा सी एच टू और उसके साथ सी एल। तो फिर अगर हमने एक्सेस यूज किया है मतलब अगेन एच सी एल इज यूज, अब क्या होगा, अब ये वाला एच आएगा यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगी सी एच सी एच थ्री देन सी एच टू सी एल और यहाँ पे आएगा एन एच थ्री प्लस सी एल माइनस। ओके मतलब हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट आपको मिलेगा। जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें एक ही ऐसा दिया है, ऐसे उन्होंने ड्रॉ किया है सी एच थ्री ओके चलो सो दिस वन इज आवर आंसर। ओके तो उसी तरह से जो भी आज क्वेश्चन करवाने थे वो आज का कोटा कंप्लीट हुआ।